वेलकम टू माय चैनल उर्दू इंग्लिश एकेडमी। आज हम जो है तीन प्रीपोजिशन के मुतालिक आपको इस्तेमाल बताना चाहते हैं। एक है ऑन, दूसरा है एट और तीसरा है इन। इन तीन का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, किस जगह पर करेंगे, इसका जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम इसके इस्तेमाल सही नहीं करते तो जुमला और इबारत जो है अच्छी नहीं लगती। मसलन अगर आप कह देना कि आई विल कम ऑन फ्राइडे, आई विल कम ऑन फ्राइडे, कि मैं जुमे के दिन आऊँगा, तो यहाँ पर ऑन आप बोलते ना, अगर एड बोल दे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, या इन बोल दे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इनका इस्तेमाल जानना अच्छा है कि हम इसको जान लें। ऑन जो है ऑन, ये इस्तेमाल होता है डेज के लिए, जहाँ पर आप दिन का लफ्ज बोल दें फिर वहाँ पर आप क्या करो, ऑन का इस्तेमाल करो। जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया। और एट जो है ना, एट इसके इस्तेमाल करो टाइम के लिए, जब आप कोई टाइम बताना चाहते हैं तो उस वक्त आप उसको क्या करें, यूज़ करें। मसलन आप बोलते हैं कि 8 जुलाई, 8 जनवरी, 8 1930, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे। और इन जो है ना, इन इन इसको आप यूज़ करेंगे तीन चीज़ों के लिए, ईयर्स के लिए, सालों के लिए। जब कोई साल आप बताना चाहते हैं, या जो है आप मंथ्स बताना चाहते हैं, महीना, कि मैं फला महीने में आऊँगा, या आप कोई सीज़न बताना चाहते हैं, क्या माना मंथ माना महीना माह, ईयर माना साल, सीज़न माना मौसम, मौसम के मुताबिक जब आप बात करना चाहे तो इन यूज़ करें। मस आप कहना चाहते कि आई विल कम इन विंटर, आप बोलना चाहते हैं। इसी तरह से आप बोलना चाहते हैं कि मसलन आई विल कम टू कतर इन 2022, तो आप बोल सकते हैं। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप कोई महीना बताना चाहे तो उस वक्त आप यूज़ करें। टाइम के लिए जब यूज़ करें तो 8 यूज़ करें, जैसे 8 9 o'clock, 8 5 o'clock, इस तरह से आप कर सकते हैं।